ओके, यहाँ के लोग बहुत क्यूट हैं, जैसे ये लड़की। हेलो बोलो। हेलो, क्यों कर रहे हो? ये देखो पूरे रोड पे पत्थर है। अच्छा, यहाँ से सीधा रोड स्कर्दू जाता है? यहाँ से सीधा स्कर्दू जाता है, आजकल 15-20 किलोमीटर है, बस 15 किलोमीटर। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं स्कूल के पास, और यहाँ पर 3 कमरे बने हुए हैं जो कि पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं बेसिकली। कर दिया बंद। ओके, चलिए आज की जो जर्नी है वो करते हैं स्टार्ट। मज़ा आने वाला भाई, मज़ा आने वाला है। और मौसम अभी काफ़ी अच्छा है, सी धूप नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और अब हम करेंगे अपनी टाइगर को स्टार्ट। ओहो, ये इनको दे दे, स्टेंजिन भाई को दे दे, एक शाम को ले लूँगा मैं। पेट्रोल देख ले, वैसे मेरा है यार काफ़ी है, चलेगी ना? काफ़ी चल जाएगी, मेरा भी चलेगा। तो भाई टाइम हो चुका है 10:23, और निकल रहे हैं हम यहाँ से। ओहो, नीचे लगी बाइक थोड़ी सी। लो जी, निकल पड़े आज के सफ़र के लिए। हाँ, मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। तो भाई आज हमें हो चुके हैं करीबन 8 या 9 दिन, मुझे भी दिन याद नहीं है कितने दिन हो गए एग्जैक्टली। अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा था। पूरी की पूरी जो नुब्रा वैली है हमने दिखाई थी, डिस्किट गए थे, डिस्किट गोम्पा गए थे, और बौद्ध मैत्रेय की जो स्टैचू है वो दिखाई थी। तो पिछला व्लॉग जाकर ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंटरटेनिंग था, मज़ा आया था हमें तो, एंड आई होप आपको भी मज़ा आएगा। बाकी आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तुरतुक को। बाइक पर बैठने के बाद तो भाई जो फील आती है ना, वो नेक्स्ट लेवल वाली होती है। आप जितना मर्जी ट्रैवल कर लो, लेकिन बाइक का जो ट्रैवल है ना वो अलग ही है, क्योंकि आपके हाथ में सारे कंट्रोल्स होते हैं, आप जहाँ मर्जी रोक सकते हैं, टेंशन नहीं होती। यहाँ से लेना है हमें राइट, और सीधा आएगा थोइसे एयरपोर्ट, और उसके बाद काफ़ी छोटे छोटे गाँव आएँगे, वो भी आपको दिखाएँगे, और फिर पहुँचेंगे तुरतुक। और तुरतुक यहाँ से 77 दिखा रहा है, चंगमार है 45, थोइसे 15। एक मिनट जी, निकलने दो जी। परतापुर सीधा, तुरतुक भी सीधा, 0 आरडी बॉर्डर पोस्ट सीधा, स्कर्दू भी सीधा है जी। हाँ, अगर सीधा बिल्कुल निकल जाते हैं तो ये जाता है स्कर्दू, पाकिस्तान वाला स्कर्दू। बॉर्डर पार करना पड़ेगा उसके लिए जो कि हम कर नहीं पाएंगे, कोई नहीं, जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक आपको दिखाएंगे। हमारा काम है आपको चीज़ें दिखाना, प्लेसेस ट्रैवल कराना, वो भी वर्चुअली। ये देखो कितने ऊंचे लग रहे हैं पहाड़, सीधे खड़े भाई। इधर लगे हुए हैं झंडे, प्रेइंग फ्लैग्स, काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। ये आ गया एक पुल, और ऊपर देखो वहाँ पर भी चौटन बनी हुई है, घर बने हुए हैं छोटे वाले, और ये सारे के सारे बुद्धिस्ट लोगों ने बनाए हुए हैं, आई थिंक लामाज ने। हज़ारों हज़ारों चौटन्स हैं, हज़ारों हज़ारों, छोटी बड़ी, ये देखो छोटी बड़ी मिला के बहुत सारी हैं। फास्ट ड्राइव कुड बी लास्ट ड्राइव, हाँ जी बिल्कुल सही लिखा है, तेज़ चलाओगे तो लास्ट ड्राइव हो सकती है। एक मिनट जी, मैं बंद कर देता हूँ कैमरा अपना, क्योंकि थोइसे एयरपोर्ट सामने ही है। इधर देखो राइट हैंड साइड पे क्या सीधी गहरी खाई है, और नीचे है शियोक रिवर। चंगमार यहाँ से 9 किलोमीटर रह गया, और अभी तक के जो रोड कंडीशंस हैं, मतलब 2 घंटे हो चुके हैं हमें राइड करते हुए, ऑलमोस्ट मक्खन बना हुआ है रोड, प्योर मक्खन, बटरी स्मूथ। इंडिपेंडेंस इट्स नॉट फ्री, इट्स कॉस्ट सोल्जर्स।
बिल्कुल सही, सलाम है उन सोल्जर्स को जो शहीद हुए अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए। एक बार नहीं, हज़ार बार सलाम है। दो पहाड़ियों के बीच में से निकला जा रहा है ऐसा रास्ता यार, पेंगोंग लेक जाते हैं तब भी आता है, और आगे लग रहा है कि कोई लैंडस्लाइड वगैरह हुई है या फिर रोड वर्क चल रहा है। सारी गाड़ियां रुक गई हैं यहाँ पर। ओ भाई साहब, 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 एकदम से बाइक फिशटेल हुई रेत में। खतरनाक, खतरनाक भाई, भाई 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 भाई, चलो यार चलो, रुकना नहीं है। पूरी चूचू कर रही है मेरी बाइक, पिछली वाली जो ब्रेक है। उतर तो गए, पत्थर गिर रहे हैं लग रहा है। बाइक पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं, तीन तीन चार चार। क्यों? हाँ मोटे मोटे पत्थर है शायद, मोटे मोटे पत्थर हैं। क्या हो रहा है आगे? यार रास्ता थोड़ा खराब है, मतलब पत्थर पड़े हुए क्या है? हाँ पूरा वो बजरी है रास्ते में। अच्छा तो बाइक बाइक जाएगा नहीं क्या? गई तो है, देखा है मैंने। अच्छा धक्का देना पड़ रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ रहा है। गिरने का डर है? गिरने का डर नहीं है ऐसा, वो पूरा ना रास्ता पत्थर पत्थर है। थोड़ी दूर के लिए ऐसा कोई। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ी दूर के लिए है, लेकिन अकेले हो क्या? और है? नहीं नहीं पीछे है, एक एक करके क्रॉस कर लेना चाहिए। ओके पीछे सपोर्ट लेके, जैसा मैंने देखा मेरे को गया नहीं। ओके थैंक यू। गाड़ियों का जाम, क्या चीज? हाँ नहीं नहीं निकल जाएंगे, जाने दे भाई। गाड़ियों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, गाड़ी के लिए प्रॉब्लम है ना। हमने कार रात देखे से चढ़ाई यहां हम। अच्छा अच्छा, साथ में गाड़ी भी है ना हमारे साथ। बाइक भी हिलेगा ज्यादा इस पे, एक्चुअली ना पत्थर रोल होगा। बस 100 मीटर का रोड खराब है। देखते हैं। भाई साहब बहुत परेशानी हुई यहाँ पे चढ़ाने में एक्चुअली। ये देखो पूरे रोड पे पत्थर हैं, पीछे तो चढ़ ही नहीं, धक्का मार के चढ़ाना पड़ा। एक्चुअली चक्का अंदर घुस रहा था पत्थरों के। निकल गए, निकल गए फाइनली। ओह हो, पूरे रोड पे पत्थर पड़े हुए हैं। सी तीन चार बार बंद हुई मेरी जो बाइक है। ये भी आ गया भाई, चलो चले कहीं पे पानी वानी मिलता है ना वहाँ पे रुकते हैं फिर। भाई साहब वाट लग गई फाइनली। ये जो सेक्शन है ये क्रॉस किया, एक्चुअली मेरी जो बाइक है थोड़ी सी हैवी है, और जैसे ही ऊपर चढ़ाई मैंने, मतलब जो लूज स्टोन्स थे वो रोल हुए, और फिर जो पिछला चक्का है वो अंदर धंसता गया। दो तीन बार ऐसा हुआ, और फिर अंकित भाई और एक दो लोग और आए, उन्होंने धक्का दिया, फिर जाके ऊपर चढ़ी है।
और यहाँ पर लिखा है शक्षगम वैली टू ग्रेट निकोबार आइलैंड भारत इज वन। हाँ जी, तो जगह जगह ऐसे साइन बोर्ड लगे हुए हैं। सो गाइस, हम पहुँच गए हैं शियोक वार मेमोरियल, जो कि इसी रास्ते पर पड़ता है। ये देखिए, एक मिनट दिखाते हैं आपको, मेकिंग ऑफ द सियाचिन वैरियर। आई थिंक कि जा सकते हैं या नहीं जा सकते, मुझे कंफर्म नहीं है, यहाँ से आगे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। ये देखो क्या सही लग रहा है यार, ये तो है ना, सियाचिन बना हुआ ना। हाँ, ये वाला सेक्शन देखो कितना ख़तरनाक लग रहा है। ऊपर पहाड़ की जो छत है वो निकली हुई है थोड़ी थोड़ी रोड पर, और कटिंग हो रखी है सी, और हर एक चट्टान में दरार है। आगे लगता है कि कोई चेक पोस्ट है शायद, पीछे एक बार जो हमारे पेपर हैं वो चेक हुए हैं, जो इनर लाइन परमिट होता है। अरे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हैं? खुशी देखो इनके चेहरे पे, क्या हुआ क्या हुआ, पैसा मांग रहे हो भाई, पैसा मांग रहे हो, हैं? पैर में कुछ हुआ है, अच्छा क्या हो गया, वो भाग गया, देखो भाग गया, कैमरा चल रहा है हमारा, झूठ नहीं बोलना। टॉफी दूँ, टॉफी खाएगा, टॉफी नहीं खाएगा, हमारे पास टॉफी है अभी, ये ले टॉफी खाओ, मुझे मत दे यार, उसे नहीं खाएगा, अरे अच्छा है खा के देख, ये ले और चाहिए, और चाहिए, ये लो। चलो ठीक है, खुश खुश हो गया भाई। अरे अरे वो देखो, वो भी बांट रहे हैं, लो 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 लो, उस उनसे ले लो, उनसे ले लो, दे रहा हूँ एक मिनट, दे रहे हैं उनसे, लो ना, देता हूँ मैं। ये देखो ये भैया भी बांट रहे हैं, एक मिनट मैं देता हूँ, मैं देता हूँ, रुक जा, और देता हूँ, रुक जा, आराम से रुक जा, रुक जा, इसमें है मेरे पास। देखो कितने खुश हो रहे हैं ये बच्चे, है ना, ये लो, अरे मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, आगे भी दूंगा ना, ये ले ले, चलो और ले ले, चल ये ले, ये ले और, ये लो और, लो और लो, बस 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 बस, अब आगे बांटेंगे हम। अरे नहीं नहीं बस, हाँ हाथ मिला ले, हाथ मिला, अब इस पे बाय बोलो, बाय करो, चलो दोबारा मिलेंगे हम, ठीक है पक्का। हाँ तुरतुक जा रहे, तुरतुक जा रहे हैं, क्या वो क्या है, वो था पर है थांग में, अच्छा वहाँ पे आखिरी गांव है, बॉर्डर है, बीच में ना, हाँ हाँ हाँ, अच्छा बॉर्डर है वहाँ पे, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, ओके चलो, ओके डन, मिलेंगे दोबारा, ठीक है, मारो मारो इस पे, मारो घुसे पे। तेज नहीं, तेज नहीं, तेज नहीं लग जाएगी, ओके मिलेंगे शाम को। ये देखो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं यहाँ पे भी। टॉफी टॉफी, एक मिनट देता हूँ, रुक जाओगे आप, हैं? पैसा नहीं देंगे हम, टॉफी देंगे, चलेगा ना। ये देखो कितनी खूबसूरत लड़की है ये, छोटी सी क्यूट सी है ना। और ये जो बेल्ट है दोस्तों, ये बिल्कुल अलग है लद्दाख से, थोड़ा सा अलग दिखता है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ना, उनका कल्चर थोड़ा अलग है। एक मिनट, ये क्या खा रहे हो, मुरमुरे? ये लो टॉफ़ी देते, अरे रुक जाओ रुक जाओ, मैं दूंगा मैं दूंगा मैं दूंगा, छीनना नहीं है, छीनना नहीं है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सबको दूंगा सबको दूंगा, ये लो पहले इसको, ठीक है वो उठा ले, एक दे रहा हूँ दे रहा हूँ, अरे रुक जाओ रुक जाओ, ये ले ठीक है, एक मिनट दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, ये ले ठीक है, ये लो, ओहो गिर गई सारी, ये ले ये ले, ये ले इसमें डाल दे, तो इसको पकड़ ले, ठीक है ओके, उठा लो सब, गिर गया, हेलो करो अब हेलो करो, हेलो करो, आप भी करो ठीक है, आप भी करो, चलो जी ओके।
चेहरे पे स्माइल देखी थी उनके भाई साहब, वही मेरे लिए इस ट्रिप की सबसे बेस्ट मोमेंट है। मुझे लग रहा है यार कि काराकोरम हाईवे ऐसा ही होगा, क्योंकि बिल्कुल मुझे वही वाली फील आ रही है। देखो सीधा पहाड़ भी वैसे ही लग रहा है, सामने वाला रोड भी वैसे ही लग रहा है। मैंने फ़ोटोज़ वगैरह में देखा है काराकोरम हाईवे कुछ कुछ इसी टाइप का लगता है। वेलकम टू तुरतुक। जी हाँ, हम पहुँच चुके हैं तुरतुक विलेज, और सामने ही जो हरे हरे पेड़ आपको नज़र आ रहे हैं वो है तुरतुक विलेज। ये हम पहुंच गए भैया तुरतुक, इंडिया के आखिरी गांव। वैसे तो ये नहीं है, इंडिया का आखिरी गांव आगे है थांग। ओ तेरी ये क्या है, ये क्या बना रखा है? बिल्कुल लगा रियल है। हाँ बिल्कुल रियल लग रहा था मुझे दूर से ही। मेरे को लगा आप मुझे अटैक करेगा। नहीं नहीं नहीं, घास भी खिला रखी है उसको। ये कैफे है। तो पूरे 2.5 घंटे हो चुके हैं हमें चलते हुए, और अब जाके हम तुरतुक पहुँचे हैं। बेसिकली नीचे मैं इसलिए रुका था, वो जो डमी लगा रखी है ना भाई साहब, बहुत ही ओरिजिनल लग रही थी उस टाइम, तो मैं रुका देखने के लिए, सिर्फ उसी के लिए रुका था। फिर बाद में पता चला कि यहाँ पर रेस्टोरेंट है, और फिर अंकित भाई बोले भैया भूख लग रही है तो पहले खा लेते हैं। तो ऊपर आए, अब हमने ऑर्डर कर दिया है चाउमीन वगैरह, देखते हैं कितनी देर में आएगी। और फिर उसके बाद हम जो तुरतुक विलेज है कोशिश करेंगे उसको एक्सप्लोर करने की। एक बाल्टीज करके कुछ है, मेरे को बहुत पहले मैं आया था तो थोड़ा सा ध्यान में है, तो जाकर वो भी थोड़ा सा देखेंगे और आपको बताएंगे। बाकी नेट वगैरह यहाँ पर चल नहीं रहा है तो गूगल कर नहीं सकते हैं। हमने पहले अपन जाएंगे थांग, थांग कोशिश करेंगे थांग जाने की। यहाँ से 25 बता रहे हैं, तयाक्षी है 7 और थांग होगा मेरे ख्याल से 25। ये देखो, ओहो हो भाई देखकर भूख लगाई मुझे तो। अब बताना कौन सा पहाड़ पाकिस्तान का है? हाँ अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं सर, जो बादल ढका हुआ है ना वही उसी के सामने। अच्छा ये वाला बॉर्डर है भाई, कौन सा उनका है? बाकी जो पहाड़ से जो बर्फ ढका हुआ है ना सर, पाकिस्तान है। तो ये जो एरिया है पूरा बॉर्डर एरिया है, और तयाक्षी यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है मेरे ख्याल से, यही होगा शायद ब्रिज क्रॉस करते ही। भैया भैया आगे जाने देंगे थांग तक? परमिट है? हाँ इनर लाइन परमिट है, वो वहाँ एंट्री करो। ओके जाने देगा, ओके ट्राई करते हैं। तो दोस्तों ये है तयाक्षी विलेज और तयाक्षी बॉर्डर पोस्ट, यहाँ से आगे सीधा जाएंगे तो थांग विलेज पड़ता है, लेकिन वहाँ की जो परमिशन है हमें नहीं मिली। तो हम जा रहे हैं, यहाँ से एक ऊपर रास्ता जाता है और एक स्कूल है जो कि पाकिस्तान के अंडर में था 1971 से पहले में। सिपी के सर? हाँ हाँ, पीछे वाला जो सिपी और बीर से वहाँ से आगे पूरा ले लिया था। अच्छा पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने ले लिया। हाँ हाँ हाँ, हिंदुस्तान ने ले लिया, हिंदुस्तान ने लिया, लड़के लिया था। छोटा इलाका है पाकिस्तान का। ओके ये पूरा इंडिया ने ले लिया। जी सर, 1971 की लड़ाई में वापसी लिया था, वापस ले लिया। 71 में जो इसमें पाकिस्तान था पूरा इस जगह पे, यहाँ से आगे जो लड़ाई हुआ था, लड़ाई होने के बाद आगे सिपी तक ले गया। अच्छा सिपी ब्रिज है आगे, पाकिस्तान उतना अंदर आ गया था, लेफ्ट साइड में हिंदुस्तान, इस साइड में पाकिस्तान था। अच्छा उसके बाद कुछ साल बैठा, तो 5-10 साल बैठा, उसके बाद फिर लड़ाई हो गया। अच्छा लड़ाई होने के बाद फिर धक्का मार दिया हिंदुस्तान अपना, धक्का मार के आगे ले गया वहाँ फनु। अच्छा उसके आगे बोलते हैं फनु। अच्छा यहाँ से सीधा रोड स्कर्दू जाता है? यहाँ से सीधा स्कर्दू जाता है, 15-20 किलोमीटर, बस 15 किलोमीटर। क्या स्कर्दू? अच्छा फनु, फनु 15 किलोमीटर में पहुंच जाएगा। अच्छा और जो थांग विलेज है वो कितना किलोमीटर? ज़्यादा 12 किलोमीटर। और ये जो ऊपर स्कूल है ये कैसे, मतलब टैक्सी का स्कूल है जैसे ये? अच्छा 71 से पहले पाकिस्तान ने बनाया था ये कमरा। अच्छा ये 3 कमरा बनाया हुआ था, उसके बाद जो ये मस्जिद है छोटा ताज मस्जिद, ये कोई एक मीर साबा एक मस्जिद था छोटा। अच्छा अच्छा ये है, ये और पैसन का ये है, और बाकी जगह तो आपको देख चुका है। यहाँ देखो गाँव ऊपर से ये पूरा नजर आएगा आपको। अच्छा लेकिन यही रास्ते से जाना पड़ेगा, ये वाला जो रास्ता है। ओके ओके, तो तुरतुक विलेज में देखने के लिए क्या है अभी? तुरतुक में भी ऐसे कुछ म्यूजियम का सामान है, अच्छा पुराने जमाने का जो बर्तन और पुराने जमाने का टोपी और पुराने जमाने का जो खाने, और एक बोलते हैं ना कि बाल्टी, बाल्टी एक ट्राइब है वहाँ पे जी, मतलब बाल्टिस्तान कुछ पहले
था, बाल्टी ट्राइब जिसे बोलते हैं। नहीं सर, वो यहाँ भी देखता है सर, वो यहाँ भी देखता है, वो यहाँ भी देखता है। बाल्टी है ना, ये जो तुर्तुक एरिया हो गया सर, पूरा बाल्टी है ना, बाल्टी बाल्टी बाल्टिस्तान 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 बोलते हैं इसको एक्चुअली में। हाँ, बाल्टी भाषा जिसे बोलते हैं वो आप लोग बोलते हैं। ओके, वो हिंदू भी नहीं है, सिख भी नहीं है, पूरा मुस्लिम, पूरा मुस्लिम एरिया है, सिर्फ मुस्लिम है, मुस्लिम इतना समझा। लेकिन सब एक एक बन के रहते हैं ना, बहुत ही अच्छी बात है, एक ही बन के रहते हैं। चलो बढ़िया, टैक्सी में जाएंगे, ऊपर जाते हैं, नहीं बाइक है हमारे पास, बाइक से जाएंगे हम, बैग भी जाके थोड़ा घूम, बिल्कुल चलो, जगह भी देखेगा, पाकिस्तान को जो बैंकर ऊपर बना हुआ है वो भी देख सकते हैं, आराम से अपना आंखों से भी देख सकते हैं। ओके, नजदीक है सामने। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ओके जी, थैंक यू। तो देखो, जितनी जानकारी लोकल लोग दे सकते हैं वो कोई भी नहीं दे सकता। हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी कि क्या क्या चीज़ें देखने लायक है यहाँ पर हैं। अभी हम स्कूल पे जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के अंडर में था 1971 से पहले, और सीधी खड़ी चढ़ाई है यहाँ से, ये देखो बिल्कुल सीधा ऊपर जाना है, तो फटाफट चलते हैं। और ये है तयाक्षी विलेज, तयाक्षी बॉर्डर पोस्ट सामने ही आपको दिख रही होगी, और यहाँ से हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं, कुछ हैं जो भी है। बाकी थांग विलेज से आगे है, और एक और विलेज था ना, फरानू तो पाकिस्तान गांव का है। अच्छा, पाकिस्तान का है, अपना एक ही गांव है, छोटा सा गांव है। ओके, बाकी टैक्सी पटना में छोड़ रहे हैं। चलो जी, ये हाईवे सीधा स्कर्दू भी जाता है जैसा कि मैंने बीच में बोला था। ओके सर, चलो ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं स्कूल, और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको तो दे ही दी है। चल चल चल, चलो जी। चढ़ाई बहुत तगड़ी है यहाँ की, अगर कार वगैरह में पावर नहीं हो तो भाई वो चढ़ेगी नहीं, और बाइक में भी अच्छी खासी पावर होनी चाहिए। बाकी 1 किलोमीटर बता रहे थे कि स्कूल है, और आगे टर्मैक शुरू हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि हम रात को आज पहुंच पाएंगे होंडर वापसी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है 3:48। तो जी, जो गुलाम नबी जी हमें मिले थे नीचे, उन्होंने हमारे लिए गुलाम मेहंदी ओके, तो नाम मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस गलत कर दिया, कोई नहीं। तो उन्होंने इस भाई को भेजा हमारे लिए, तो ये सारी चीज़ें बताएंगे ऊपर क्या क्या है, है ना। तो आराम से पहुँच जाएंगे ऊपर, मेरी तो अभी सांस फूल गई, बस थोड़ा सा फूले, उसके बाद तो चलो चलते हैं ऊपर। वो जो टॉप देख रहे हैं ना पहाड़, हाँ, पाकिस्तान का है, जो नीचे लाल लाल मिट्टी देख रहे हैं वहाँ पर इंडिया का फौज बैठा है। ओके, और ये यहाँ से स्टार्ट होता है गांव, तो ये तयाक्षी विलेज ही है। हाँ सर, ये इसको बोलते हैं फरोल, उसको बोलते हैं तयाक्षी। ओके चलो, तो यहाँ से हमें ऊपर ऊपर पाकिस्तान के भी बॉर्डर, मतलब आर्मी देखता है, इंडिया का भी देखता है। बंकर दिखते हैं, बंकर बंकर तो नहीं देख रहा, लेकिन जो हमारे इंडिया का यहाँ पर छोटा सा पोस्ट है, अच्छा वो देखिए। ओके, एक्चुअली देखा जाए तो ये जो विलेज है बिल्कुल ऑलमोस्ट तुर्तुक की तरह लग रहा है मुझे, है ना, काफ़ी पहले आया था मैं, तो वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वैसे ही कुछ घर हैं, पतली पतली गलियाँ हैं, उनमें से हम निकल रहे हैं, और लोग घर बन रहे थे, ये सब नए नए घर बन रहे हैं। ओके, यहाँ के लोग बहुत क्यूट हैं, जैसे ये लड़की, हेलो बोलो, यूँ करो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अखरोट है सर, ये अखरोट, ये अखरोट का पेड़ है, ये एप्रिकॉट का पेड़ है। ओके, ये अखरोट का पेड़ है, ये एप्रिकॉट का है। ओके, तो अब जो गाँव है थोड़ा सा खुल गया आगे, पीछे थोड़ा सा भीड़ा हुआ था, मतलब कि पूरा घर सब यहाँ इस तरह है सर, अब यहाँ इससे आगे आपको घर नहीं देखेगा, बस स्कूल देखेगा आगे जाकर, आपको स्कूल देखेगा। ओके, थक गए यार, थक गए थोड़ा सा थक गए, और हम कहाँ पहुँचे हुसैन भाई, जस्ट पहुँचने वाले स्कूल के सामने, स्कूल के सामने, और ये मेडिकल सब सेंटर तयाक्षी का है सर, गाँव का।
गांव का छोटा सा मेडिकल सब सेंटर है। ओके, सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्कूल के पास और यहां पर तीन कमरे बने हुए हैं जो कि पाकिस्तान ने बनाए हुए हैं बेसिकली, और 1971 से पहले बनाया। जी सर, 1969 में ये जो तीन स्कूल दिख रहे हैं ये पाकिस्तान ने बनाया, और 1971 में ये जो इलाके हैं उनको इंडिया ने, फिर इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था सर। जी सर। अच्छा, रिकैप्चर किया था। रिकैप्चर किया था, तो फिर ये स्कूल को रन किया इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडियन गवर्नमेंट ने कब तक रन किया? करीब 2015-16 तक, फिर उसके बाद रोड साइड पे स्कूल शिफ्ट किया गया। ओके, अब ये वर्किंग कंडीशन में नहीं है। जी सर, अब बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ ना सर? ना ना, बेसिकली तीन कमरे बनाए हुए हैं और भी कमरे हैं लेकिन वो सारे के सारे इंडिया ने बनाए हुए हैं। तो एक बार अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि कमरे कैसे हैं। आइए, आपका नाम क्या था? परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ, तो ये हुसैन भाई के दोस्त हैं। जी सर। तो इनको थोड़ी सी नॉलेज अच्छी थी तो हमने इनको भी पकड़ लिया। एक मिनट, ये देखिए यहाँ पर ऐसे कुछ कमरे बने हुए हैं और पाकिस्तान के ज़माने, पाकिस्तान के ज़माने के लिए। अभी किसी ने डे भी लिखा हुआ है 1998 डे मंडे, किसी स्कूली बच्चे ने लिखा हुआ, शैतानी बच्चे जो होते हैं। बैक बेंचर्स होते हैं उन्होंने। जी सर। सही है, बहुत सही है। फाइनली हम पहुंच ही गए हाफ्ते हाफ्ते। यहाँ से व्यू देखिए, ब्रिज बना हुआ है सर, वहाँ से लास्ट 0 पॉइंट तक गाड़ी जाता है। पहले टूर छोटा था, 2 साल पहले बंद किया हुआ। अच्छा, जी। ये वाला गांव कौन सा है? ये वाला है सर पचाथांग। पचाथांग जी। ये देखिए छोटे छोटे जो घर आपको देखने को मिल रहे हैं ये है पचाथांग। सी, और ये वाला है सर, ये थांग जी सर। ये जो नजर आ रहा है थांग उंगली के सामने है ना? जी सर। थांग से आगे भी एक गांव बोल रहे थे? हाँ वही। हाँ, ये ऊपर एक और गांव है सर, जैसे ये टैक्सी है सर। अच्छा, वही थांग का ऊपर वाला थांग बोलते हैं। अच्छा। सो गाइज, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, मैं नहीं चाहता इसको और ज़्यादा खींचना, और वापसी का जो रास्ता था वो ऑलमोस्ट सेम था बिल्कुल, और अंधेरा भी हो गया था तो ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया। तो आज का वीडियो यहीं पर हम एंड करेंगे, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया हुआ। इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और ऐसे ऐसे नज़ारे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो भाई लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। तो फटाफट जो लाल कलर का बटन आपके सामने आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब मतलब दबा दीजिएगा। तो चलिए अब करते हैं हम एंड, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा। अगला वीडियो देखना ना भूलिएगा, अमेजिंग होने वाला है। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Pongo a bailar reggaeton pa' mí, que muñeca. Te gusta salir y se docir.